रीवा के अमहिया थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए घंटों राहगीरों को परेशान किया। महिला को शांत कराने के लिए पुलिस महकमे को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने जैसे तैसे महिला को शांत कराकर सुरक्षित उसके घर पहुंचाया। अमिया थाना क्षेत्र के एक होटल के समीप देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने शहर के बीच सड़क पर खड़े होकर राहगीरों को परेशान करना शुरू कर दिया। महिला की इस करतूत की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को शांत करने में जुट गई। पुलिस की माने तो महिला ने शराब दुकान से शराब पीने के बाद नशे में उत्पात मचाया, जहां से आने जाने वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। महिला ने वाहनों को रोककर उसमें सवार लोगों से अभद्र भाषा में बात की। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने जैसे तैसे महिला को शांत किया और बाद में सुरक्षित उसे उसके घर पहुंचा दिया। रात को सूचना मिली थी राहगीरों के द्वारा कि अमहिया सिरमौर मार्ग पर एक महिला जो है संभवतः नशे की हालत में जो है उत्पाद कर रही है और आने जाने वाली गाड़ियों को रोक रही है। उसकी स्वयं की सुरक्षा को देखते हुए और कानून व्यवस्था और ट्रैफिक को देखते हुए तत्काल महिला सब इंस्पेक्टर किरण कामले के साथ स्टाफ को भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने जो है उस महिला को वहाँ से लेके और सुरक्षित घर पे पहुँचाया और घर वालों को समझाइश देकर जो है वहाँ पर छोड़ा गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।